फाइनली अभीरा हुई खतरे से बाहर। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा ये रिश्ता का कहलाता का। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अभीरा हो चुकी है खतरे से बाहर। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ है, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि अभीरा की जान जाते जाते बची है उस ब्लास्ट के अंदर। वेल दोस्तों, हुआ कुछ है, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि जो किडनैपर्स होते हैं अभीरा को एक कुर्सी पे बांध देते हैं और वही एक तरफ वो ब्लास्ट होने वाला होता है, तभी जो अभीरा होती है वो कुर्सी से थोड़ा उधर हो जाती है। जी हां, कुर्सी को अपने हाथ पैरों से खिसका के थोड़ा दूर चली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जा पाती है, पर उसी के पास होती है। जी हां, और फाइनली वो ब्लास्ट हो जाता है, तो वही एक तरफ अभीरा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और वही एक तरफ जो अरमान और रूही भागते हुए आते हैं अभीरा के पास। पर आने के बाद फाइनली अरमान तो फूट फूट कर रोने लग जाता है कि अभीरा एक बार तो होश में आओ, अभीरा वेकअप वेकअप ऐसे बोलने लग जाता है अरमान, लेकिन अभीरा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है। लेकिन फाइनली एक किरण आ जाती है अरमान के पास और फाइनली उठ जाती है अभीरा और अभीरा का आंख भी खुल जाता है और अभीरा कुछ बोलने लग जाती है। जी हाँ, वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्योंकि अभीरा अरमान रूही पूछने वाले हैं उस करण से सवाल जो कि करण की एंट्री हुई है इस शो के अंदर। वेल, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड आपको देखने को मिलेगा ये रिश्ता का कहलाता का अपकमिंग। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है और भी क्या क्या हो सकता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। और आपको कितनी ज्यादा खुशी हुई है अभीरा को बचते देख, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। बाय बाय।